हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 45। टॉपिक रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। पेपर वन में 60 क्वेश्चन बनेगा, जेएससी सीजीएल के एग्जाम में, बाकी सारे एग्जाम्स जहां पे भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है उसके लिए इसको चेकआउट कर सकते हैं। एज यूजल आपको पता होगा पीडीएफ और क्विज आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो वहाँ पर इसके के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। देन लेट्स मूव ऑन। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एजुकेशन मोटिवेशन को आगे बढ़ाते रहना है। सारे जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए गए हैं, तो उसको एंजॉय कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गॉड हैज क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड डैश देम विथ सर्टेन क्वालिटीज। एक फिलर है, इसको फिल कीजिए। डिसअप्रूव्ड, रिजेक्टेड, वेस्टेड और अनकवर्ड। सही आंसर इसका सी होगा, वेस्टेड। जब इसमें वेस्टेड डाला जाएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, अंडरस्टैंड कीजिए। गॉड हैज क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वेस्टेड देम विथ सर्टेन क्वालिटीज। वेस्टेड विथ का मतलब होता है कोई चीज़ देना या प्रदान करना, तो अगर फ्रेचल वर्ब का मीनिंग अगर पता हो तब इसको भरा जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेस्टेड विथ मतलब प्रदान करना या देना। तो गॉड क्या किए हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको क्रिएट किए हैं, और वेस्टेड देम विथ सर्टेन क्वालिटी, यानी कि सबको कुछ ना कुछ क्वालिटी देकर भेजे हैं, तो इस तरह से इसका मीनिंग निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी डालने पर ही देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ही हैज नॉट सबमिटेड हिज असाइनमेंट डैश नाउ एट देन अंटिल देन। ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से देखने को मिल रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल तो आपको पता होगा कि कोई ऐसा एक्शन जो मैं अभी वर्तमान समय में बोल रहा हूँ उसे जस्ट पहले खत्म हुआ उसके लिए आप लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे ही हैज नॉट सबमिटेड हिज असाइनमेंट, तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी चला जाएगा, एट। कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो एट होता है, सो फार होता है, ऑलरेडी होता है, नेवर होता है, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। सही आंसर इसका बी होगा, ही हैज नॉट सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट। अब तक उसने जो है से असाइनमेंट जो है से सबमिट नहीं किया है, समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेविटी। लेविटी एक वर्ड है, इसका सिनोनिम बताइए। ग्रेविटी, फनीनेस, बिलव्ड या फिर बेलफुल। लेविटी का अर्थ में अगर हिंदी में बताऊं तो होता है छिछोरापन। तो छिछोरापन एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं सिचुएशन जिसमें हंसी मजाक वगैरह चलते रहता है, तो फननेस इसका सही मीनिंग चला जाएगा। बेलफुल मतलब एक हानिकारक होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। बिलव्ड मतलब तो न्यारा प्यारा आप लोग बोल सकते हैं। ग्रेविटी का मतलब अट्रैक्शन वगैरह होता है ना, ग्रेविटी तो आप लोग एक पढ़े होंगे SLC टू ग्रेविटी स्मॉल जी, और एक ग्रेविटी मतलब अट्रैक्शन भी होता है। और ग्रेविटी आखिर करता क्या है, हर एक वस्तु तो अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो ग्रेविटी मतलब अट्रैक्शन भी होता है, इसको आप लोग आइडिया रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। द फ्यू क्राउड वॉज नॉट सरप्राइजिंग कंसिडरिंग द पब्लिसिटी इन्वॉल्व्ड, या फिर नो एरर। किस पार्ट में एरर है, एरर आपका पार्ट नंबर वन में है। वन में एरर आखिर है क्या, क्राउड जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्राउड क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन में इसको गिना जाता है। तो अनकाउंटेबल यह नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू वर्ड यूज नहीं हो सकता है, आपको यहाँ पे लिटिल यूज करना होगा। काउंटेबल के साथ फ्यू यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लिटिल यूज करना होगा। द लिटिल क्राउड वॉज नॉट सरप्राइजिंग कंसिडरिंग द पब्लिसिटी इन्वॉल्व, तो ऑप्शन नंबर या पार्ट नंबर ए में एरर हो गया। ओके, समझ लीजिएगा, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, जबकि लिटिल वगैरह अनकाउंटेबल के लिए होता है। यहाँ पे क्राउड अनकाउंटेबल था, इसीलिए यहाँ पे लिटिल लगा देना है, तो द लिटिल हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर वन में एरर था। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ में इंक्लूड एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन लाइफ एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स टू अचीव साइकोलॉजिक रेजिलियंस। क्या होना चाहिए, किस पार्ट में एरर है, पता चल रहा है, इसमें एरर देखने को मिलेगा पार्ट नंबर थ्री में। अब पार्ट नंबर थ्री में आखिर है क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेजिलियंस लिखा हुआ है। रेजिलियंस मतलब होता है सामर्थ्य वगैरह, ठीक है, आपका कैपेसिटी वगैरह जो होता है उसको रेजिलियंस आप लोग बोलते हैं। तो रेजिलियंस एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, और नाउन के पहले साइकोलॉजी भी एक नाउन ही है, साइकोलॉजी एक नाउन है, तो हमको नाउन नहीं यहाँ पे हमको एडजेक्टिव यूज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव इसका साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजिकल यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए पार्ट नंबर ए आपका थ्री में एरर हो गया। समझ गए, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजिकल यूज करना है, रीजन में बता दिया, रेजिलियंस एक नाउन है, तो हमें यहाँ पे साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी भी एक्चुअली में नाउन ही है, लेकिन हमको नाउन यूज नहीं करना है, हमको एडजेक्टिव यूज करना है, तो एडजेक्टिव साइकोलॉजी का हो जाएगा साइकोलॉजिकल। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ में इंक्लूड एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन लाइफ एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स टू अचीव साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर थ्री में एरर था, आई होप की समझ में आ चुका होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और एक वर्ड है, इसका एंटोनिम बताना है, डिलेक्टेशन।
और ए वर्ड देखिएगा तो जेएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, और उस तरह से डिलेक्टेशन वर्ड नहीं था वहां से, डिलेक्टेबल वर्ड था वहां पे, डिलेक्टेबल था, यहाँ पे डिलेक्टेशन है। क्या मीनिंग होना चाहिए? सोरो, डिलाइट, इलेशन या फिर रैप्चर। देखिए जो डिलेक्टेशन वर्ड होता है वहां पे मैं आपको समझाया था, अगर सारा वीडियो को चेकआउट आप किए होंगे तो पता होगा, वहां पे डिलेक्टेबल वर्ड था। तो डिलेक्टेबल मतलब होता है एक तरह का स्वादिष्ट वगैरह, और स्वादिष्ट के सेंस में बताया था कि सुहावना या फिर जो हंसी वाला जो सिचुएशन होता है उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, जो कि एक चीयरफुल आपका सिचुएशन हो उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो डिलेक्टेशन एक जो है चीयरफुल यानी कि हैप्पीनेस के सेंस में भी यूज होता है, तो उस केस में इसका एंटोनिम सोरो चला जाएगा, यानी कि पार्ट ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ओके, बाकी डिलाइट, इलेशन, रैप्चर सबका मतलब होता है हैप्पीनेस ही ना, तो याद रखिएगा डिलेक्टेशन का सारा जो वर्ड है डिलाइट, रैप्चर, इलेशन सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए, सोरो इसका जो होगा एंटोनिम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एनालॉगस। एनालॉगस का एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, सिमिलर, पैरेलल, रिलेटेड या फिर डिसएग्रीइंग। एनालॉगस का मतलब होता है ना जब किसी चीज से आप लोग एग्री करते हैं या उसे रिलेटेड होता है, कोई चीज सिमिलर होता है या उसके पैरेलल होता है, उसका मतलब होता है एनालॉगस। तो इसका अपोजिट में चला जाएगा डिसएग्रीइंग। एग्री भी ऑप्शन में रहता तो भी उसका सिनोनिम्स होता। तो जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सिमिलर, पैरेलल, रिलेटेड और एक और मैं जोड़ दूं यहाँ पे एग्री वर्ड, तो सारे जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम पूछा है तो डिसएग्रीइंग इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और यहाँ पे एक सेंटेंस को अरेंज करना है तो ईजी क्वेश्चन बनेगा, आपको देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद खोजिए क्या किस में चला जाएगा। द अर्स्टवाइल प्राइम क्या जाएगा, या मिनिस्टर जाएगा या फिर हैड अर्बन बैकग्राउंड चला जाएगा। हैड वगैरह तो आप लोग देखने होगा, हेल्पिंग भर होगा, तो पी तो होने वाला है नहीं, शुरुआत सेंटेंस से हैड से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात तो है नहीं क्योंकि मोस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो पी तो ऐसे कट गया। मिनिस्टर का पहले लगता है, प्राइम लगता है, तो इस तरह से कनेक्ट कीजिए, बहुत ईजी है। तो मोस्ट ऑफ द अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जापान हैड अर्बन बैकग्राउंड। यहाँ बोला जा रहा है कि जितने भी अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है ना भूतपूर्व, ना जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है उनके बारे में बोला जाता है, उनका अर्बन बैकग्राउंड था, यानी कि सब शहर से निकलकर शहर से ही निकलकर आते थे। तो आर क्यू पी हो जाएगा, आर क्यू पी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा लिया जाए। तो इस तरह से इसको बना लेना है। मोस्ट ऑफ द अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हैड अर्बन बैकग्राउंड, सही इसका अरेंजमेंट होगा। तो इस तरह से इसको अरेंज कर लेना है, ईजी था क्वेश्चन। दे सिलेक्टेड द रेड कार। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दे सिलेक्टेड द रेड कार, और बोला था क्या, दे सिलेक्टेड द रेड कार, वही वाला उन लोग रेड कार जो है सेलेक्ट किए। तो इसमें आपको बनाना है, तो इस सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है इसका पैसिव, वाज वेयर के बाद भी3 लगता है। तो जहां भी वाज वेयर प्लस भी3 नहीं होगा उस ऑप्शन को इलिमिनेट कर लिया जाए। इज कट गया, ये भी कट गया, और बाय दे वगैरह तीसरे पहले लगेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाता है डी। द रेड कार यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाकर उठा के सब्जेक्ट बना दिया जाए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज हेल्पिंग भर पाएगा, उसके बाद भी3 लगा लेना है, उसके बाद बाय प्लस आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना, जो कि दे का आपको देम हो जाएगा ना ऑब्जेक्टिव केस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है ही रिप्लाइड आई कैन नॉट डू सो। क्या होना चाहिए, ही सेड ही कुड नॉट डू सो, ही रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट डू सो, ही रिप्लाइड दैट ही कैन नॉट डिड सो, ही रिप्लाइड दैट ही कुड नेवर डू सो। यहाँ पे नेवर वर्ड और लगा इसलिए कट जाएगा, बाकी कैन का कुड में कन्वर्सन होता है, तो कुड अगर जो नहीं होगा जहाँ पे उसको काट लिया जाए, कैन का कैन ही नहीं रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में ना, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट चुका है। बाकी एक ऑप्शन बचता है ही सेड ही कुड नॉट डू सो और ही रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट डू सो, क्या होना चाहिए। तो इसमें कंजक्शन अगर यूज नहीं किया हुआ है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, रिप्लाइड को सेड में करना कोई जरूरी नहीं है, अगर रिप्लाई किया है तो आप उसको रिप्लाइड ही रहने देंगे, कंजक्शन यूज नहीं किया हुआ था, तो सही आंसर इसका बी होगा, ही रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट डू सो, कैन का कुड में कन्वर्सन हो जाता है, कुड नॉट डू सो। ऐसे 10 का सो होता है ना, देखिएगा तो अगर कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि टूडे का होता है दैट डे हो जाता है, और यस्टरडे का होता है द लास्ट द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, तो इस तरह से वर्ड्स भी चेंज होते हैं, और 10 का सो हो जाता है लेकिन सो का सो ही रहेगा। तो इस तरह से आप लोग सो का अगर 10 करके ऑप्शन दे देगा तो उसको मत लगाइएगा, सो का सो ही रहेगा, 10 रहता है तो सो हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, प्रोनाउंसिएशन है, बताइए क्या होना चाहिए।
सही वर्ड इसका हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन ना। देख लीजिएगा ऐसे तो प्रोनाउन भी होता है और प्रोनाउंस भी होता है। प्रोनाउंस मतलब आप लोग बोलते हैं किसी को प्रोनाउंस करना तो प्रोनाउंस बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। मैं एक ऑप्शन अगर मुझे बनाना था क्वेश्चन को तो एक ऑप्शन में ये भी डालता प्रोनाउन करके PRONOUN और CIATION डालता। तीसरे से होता है तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। यहाँ तक कि प्रोनाउंस वर्ड भी सही है, प्रोनाउन भी वर्ड सही है। तो प्रोनाउंस होता है PRONOUNCE, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे ओ नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, जिस तरह से ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन का सही स्पेलिंग यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इडियम है, ही बॉ साई ऑफ रिलीफ। साई मतलब क्या होता है, ये सही चीज़। साई मतलब होता है कोई दृश्य। तो ये इस इडियम का क्या मीनिंग होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लेजेंट हैज नॉट हैपेंड और हैज एंडेड, यानी कि कुछ नहीं हुआ और वह समाप्त हो गया। कुछ ऐसा चीज जो बुरा घटित होने वाला था लेकिन नहीं हुआ या वह समाप्त हो गया, उसके लिए भी यूज किया जाता है ही वॉज साई ऑफ रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या होता है, राहत वगैरह। तीसरे समझ सकते हैं ही वॉज साई ऑफ रिलीफ मतलब होता है कोई ऐसा घटना जो कि घटित होने वाला था, बुरा घटना जो घटित होने वाला था लेकिन वह नहीं हुआ, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलॉट ऑन योर प्लेट। अलॉट ऑन योर प्लेट का मतलब क्या होता है, ये भी एक इडियम है। इसका मीनिंग होगा कि आपके पास बहुत सारा काम है निपटाने के लिए, टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ। तो उसको बोला जाता है कि आपके साथ बहुत सारा अगर प्रॉब्लम होता है, कार्य होता है करने के लिए, तो उसको बोला जाता है कि आई हैव अलॉट ऑन माई प्लेट ना। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो बोल सकते हैं, अगर बोलेगा कि आई हैव अलॉट ऑन माई प्लेट, आई कैन नॉट हेल्प यू राइट नाउ, तो समझ है को इसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है करने के लिए, इसीलिए हमको ना कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। कैरी आउट अ टास्क क्लमसिली और इनकम्पिटेंटली। देखिए ये जो वन वर्ड सब्जेक्शन है ना, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यानी कुछ ऐसा आप लोग काम कर रहे हैं जो कि भद्दा तरीके से कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, बंगल। तो कोई अगर बुरे तरीके से आप लोग कर रहे हैं, क्लमसिली ढंग से, भद्दे ढंग से, तो उसको बंगल कहा जाता है। बाकी एडेप्ट, एप्ट और एड्रॉइट, तीनों का मतलब होता है निपुण ना, तीनों का मतलब निपुण होता है। और बंगल मतलब जिसको काम हम करना एक तरह का नहीं आता है, उसको आप लोग बोल सकते हैं। एडेप्ट, एड्रॉइट, एप्ट, तीनों का मतलब गुणी होता है, ठीक है, जो कि काम अपनों को अच्छा से कर सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेनी कंट्रीज एंड स्टेट्स इज डिबेटिंग अ बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स और टैक्सिंग देयर यूज। तो बहुत सारे कंट्री है और स्टेट जो है क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं ताकि प्लास्टिक बैग को बैन किया जाए या उनको और टैक्सेसिंग देयर यूज, और उनका यूज पर टैक्स वगैरह लगाया जाए। मुझे ना एक बहुत हंसी वाली बात आती है कि गवर्नमेंट तो बोलता है ना कि प्लास्टिक जो है से बंद किया जाए, बंद किया जाए, लेकिन प्लास्टिक का आप लोग अल्टरनेटिव वगैरह कुछ ला के रखे हैं, तो ऐसा तो कुछ लाना चाहिए कि प्लास्टिक का कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। बाकी जो अगर वैसा देखिएगा, जो कागज जैसा प्लास्टिक जो आ रहा है उसका ना कोस्ट ज़्यादा है। तो मैं बहुत लोगों से बात किया था कि इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं, तो उन लोगों का कहना था कि जो है से बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो आप लोग कम से कम लोगों को ये चीज़ तो प्रोवाइड कराइए कि हाँ जो है से मैं इसको बैन कर रहा हूँ, तो उससे भी कुछ सस्ता चीज़ जो है से उपलब्ध कराया जाए। और नहीं करा पा रहे तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान तो देना चाहिए था। बाकी सारे उन लोग देखिए इतना सारा मतलब जो खर्चा होता है, इतना सारा करते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ को बंद करना है उसको इजिली आप लोग अवेलेबल कराइएगा, तब तो जो है सर उसको लोग ऐसे यूज करना शुरू करेगा। तो मुझे बड़ा अटपटा सा चीज़ लगता है। देख लीजिए जो भी है, आर लगेगा, क्यों, क्योंकि मेनी कंट्रीज और जो स्टेट्स है वहाँ के साथ प्लुरल बन गया, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा था, तो इज नहीं आर डिबेटिंग लगना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। माई फादर वेयर स्टैंडिंग, अब यहाँ पे माई फादर एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वेयर क्यों लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, वाज लगेगा। तीसरा से इसको देख लीजिएगा। तो यही सारा कुछ कुछ क्वेश्चन था आज के क्लास में। कॉपी भी बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करने के लायक लगता है, तो इसको लाइक करें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।